स्वागत है एक नए वीडियो में। आपने हमारा हिमाचल का सफर तो देख ही लिया होगा, चंडीगढ़ का भी ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा होगा देखिएगा। तो हम आ चुके हैं अभी हिमाचल के अंदर, तीर्थन से भी ऊपर एक वैली है और वैली में एक रिजॉर्ट है हमारे जान पहचान के एक हमारे सीनियर हैं उनका, और हम आ चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं। इस रोड से हम लोग आए हैं और आराम से आप कोई भी गाड़ी ला सकते हैं। हम लोग अपनी टाटा टिगोर लेके आ गए हैं यहाँ तक। उसके बाद आप एंट्री करोगे। अभी कंस्ट्रक्शन में है प्रॉपर्टी, कुछ कुछ चीज़ें बन गई हैं, कुछ कुछ चीज़ें बन रही हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये इस प्रॉपर्टी के जस्ट सामने आप देखो, ये आप देख रहे हो स्नो पीक माउंटेन। यार इससे बढ़िया क्या व्यू मिलेगा। ये देखो अप्रैल के मौसम में अगर आपको स्नो दिख जाए सामने है। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। एक बारिश भी हुई है यहाँ पे, ओ बारिश हो गई। वो सामने देखिए हमारा रूम। चलिए रूम दिखाते हैं आपको और फिर बताएंगे इस प्रॉपर्टी में क्या क्या है और क्या क्या बनेगा। हम जा रहे हैं फर्स्ट वाले फ्लोर पे। पूरे लकड़ी का काम हुआ है और पत्थर तो आप देख ही रहे हो। अब चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको असली वाला व्यू। वाओ, तो दो चेयर्स लगी हुई हैं और यहाँ से तो व्यू आप देख लो। सामने गाड़ी भी लगी है, इधर भी लगा सकते हैं पार्किंग। और जैसे मैंने आपको बताया था स्नो पीक माउंटेन तो सामने ही दिख रहा है यार, बालकनी से ही। बार बार मैं आपको ये दिखाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है स्नो पीक माउंटेन। चलो रूम में चलते हैं। तो ये रहा बेड। ओ लाइटिंग भी बहुत प्यारी लग रही है। वाओ क्या बात है, वेरी नाइस। तो हम अपने भैया को यहाँ पर डाल देते हैं। ये रहा मेरा बेटा। ओ ले ले, भैया हमारे रो रहे थे, पूजा ने ले लिया। आइए अब दिखाते हैं। ओ वाओ वाओ क्या बात है भाई, वेरी नाइस वेरी नाइस। खिड़की भी है और इसको खोल देते हैं, खुल जाती है। वाह, इधर चेयर्स लगी हैं और व्यू देखो आप। और सबसे बड़ी बात है कि नेचर की आवाज़ आ रही है, कोई ट्रैफिक की आवाज़ नहीं है। और प्लस जो हिमाचल के और टूरिस्टिक जगह हैं जैसे मनाली कुल्लू, वहाँ के आसपास होटल रिजॉर्ट से एकदम सेक्लूडेड प्रॉपर्टी है ये, एकदम अलग है, जंगलों के बीच है एकदम। वेरी नाइस, मज़ेदार है, क्या बात। क्या नाम तो मैंने आपको बताया नहीं, प्रॉपर्टी का नाम है भीगासा। यस, और यहाँ पर एक वॉल पे अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखी गई हैं, पॉज करके आप पढ़िएगा देखिएगा, अदरवाइज मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और खास बात तो ये है कि लाइटिंग का कितना ध्यान रखा गया है यार, वाओ। वो इसलिए देखा गया है क्योंकि इसको, इस जगह को एक क्रिएटिव इंसान ने बनाया है। जिन्होंने बनाया है उनके बारे में बताऊंगा आपको। ये देखिए ये लाइट भी कितनी प्यारी लग रही है यार। जो बालकनी है उसका भी काफी अच्छा व्यू है, इस मैंने अभी आपको दिखाया भी था। और यहाँ पर बेस्ट चीज़ क्या है, यार चार्जिंग पॉइंट भी है यार। थैंक यू इतनी छोटी छोटी डिटेल्स के लिए, वाओ मैन क्या बात है। हाँ तो पूजा कैसा है प्रॉपर्टी, मजा आ रही है? बैग्स बैग्स रखेंगे अभी हम, स्लीपर्स दे रखा है इन्होंने लेकिन हम स्लीपर लाए। और ये है कबर्ड एरिया यहाँ पे। अच्छा रजाई भी है, कम्बल भी है आई थिंक। और देखें इधर क्या है, इस साइड आप अपना सामान रख सकते हो, है ना। ये है वॉशरूम, वॉशरूम दिखा देता हूँ मैं। देखिए यार वाओ क्या बात है, वॉशरूम में भी खिड़की है। वेरी नाइस यार क्या बात है। आप अपने पैर पोंछ के वॉशरूम में आइए, क्या बात है। हार्ट शेप में बेसिन है यार, दिल जीत लिया मेरा, क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा शैम्पू कंडीशनर मॉइस्चराइजर और शावर जेल दे रखे हैं। और पीछे कुछ है नहीं लेकिन
क्या बात है, ये एयर और लाइट पूरी प्रॉपर आएगी यार, फीलिंग भी कितनी सही रहेगी यार, कितना ओपन है ये। और यहाँ सामने देखो दो पौधे, क्या बात है, नेचर के बीच। ओ गीजर भी है, वेरी नाइस। यहाँ तक बिजली पहुँचाना और गीजर रखना, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बेस्ट चीज़ें यहाँ पर ब्लाइंड लगी हुई है यार, इसको आप खोल सकते हो, जैसे हम लोग होटल्स में देखते हैं कि आप ब्लाइंड्स खोल के बेडरूम का नज़ारा देख सकते हो। ये देखिए, वाओ क्या बात है यार, वाओ क्या डिजाइन किया है यार, ब्लोन अप हो गया यार मैं तो। यहाँ से जो व्यू दिख रहा है वो तो आपने देख ही लिया, और मैं आपको दिखा दूँ ओवरऑल, ये यहाँ पर मिरर भी है, मिरर में आपको फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है यार, जो अभी मैं कहूँ यार, वेरी नाइस। और छोटी छोटी चीज़ का काफ़ी डिटेल ध्यान रखा गया है, लाइटिंग बहुत प्रॉपर है, फीलिंग एकदम लग्जरी वाली है। और जिस तरह से ये वुडन का काम किया गया है, ये तो मैंने फॉरेन के कुछ होटल्स में देखा है यार, वेरी नाइस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक केटल भी दे रखी है, पानी की दो बॉटल ने, और एक वार्म बॉटल भी है, साथ में है जैस्मिन ट्री, ब्लैक टी, ग्रीन टी। यहाँ पर भी पौधा है, यहाँ पर भी खूबसूरत लाइट है, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो आपको शांत दिल और शांत माहौल से पढ़ना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेके। इन पहाड़ों में घूमते फिरते रहना मेरे लिए एक सुकून है, सच में यार। पहाड़ों में आए और मैगी ना खाए तो मैगी और पहाड़ दोनों बुरा मान जाएंगे। मैगी खाते खाते मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। मैं जिस जगह हूँ उस जगह एक बहुत खूबसूरत कविता है, वह मैं पढ़ के सुनाऊंगा, तब तक आप व्यू देखो। इन पहाड़ों में घूमते फिरते रहना मेरे लिए सुकून है, सूरज की पहली किरण, चिड़ियों का संगीत, बादलों की मखमली शामियाना, और सारा आलम अंगड़ाई लेकर उठ जाता है। कविता खुद चलकर आती है, घरों से उड़ता धुआं सर्द मौसम के साथ जमकर धीरे धीरे उठता है, जैसे कोई हवा में तीर बना रहा हो। शहर के शोर से दूर ये पहाड़ मौका देते हैं मुझे खुद में उतरने का, चारों तरफ चटकीले रंग बिखराते रहते हैं। मौसम का मिजाज ऐसा लगता है कि सुबह से शाम से मिलने की जल्दी है, मौसम का मिजाज ऐसा लगता है कि सुबह को शाम से मिलने की जल्दी है, और दोपहर उनके बीच से हट गई है। शाम चारों तरफ रंगों से भरी है, सूरज ढलते ढलते आसमान रंग देता है, आसमानी नदी रंगता रहता है, और नदी धरती को रंग देती है हरियाली से। इस जीवन में रंग भरती है, सब कुछ एक दूसरे के रंग में रंगारंग, सब एक दूसरे के हाथ थामे, सब कुछ भीगा भीगा सा लगता है, भीगा भीगा सा लगता है, भीगा भीगा सा लगता है। शाम को हमने चेक इन किया, कुकीज आ गई और शाम की चाय आ गई, वाह। टकलू जी को देख लो, टकलू जी खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं भाई, कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं, ओले 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 ओले। तो रूम तो आपने देख ही लिया है, अब मैं आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ जहाँ पर हम डिनर करेंगे, हॉल एरिया। सुबह भी दिखाऊंगा आपको जब हम ब्रेकफास्ट करेंगे, और सुबह और प्रॉपर दिखाऊंगा। चलिए अंदर चलते हैं, थोड़ी ठंड हो गई तो हमने अपने कॉस्ट्यूम्स चेंज कर लिए हैं, टोपी लगा ली है, अरे चप्पल यहाँ उतारनी पड़ेगी क्योंकि सीटिंग है यहाँ पे, वाह वाह वाह, जैपनीज स्टाइल में है, मिनिमलिस्टिक, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, ये मेरे बाबू
स्माइल स्माइल कर रहा है, फुल एंजॉय कर रहा है मेरे बाबू। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, अले 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 बड़ा मजा आ रहा है भैया को, भैया को मजा आ रहा है। ये हाँ, तो एक सिटिंग ये है, एक सिटिंग ये है और एक सिटिंग ये है, तीन सिटिंग है, बाकी धीरे धीरे चीज़ें बनेंगी जैसे जैसे आप यहाँ पर आओगे, क्योंकि दो इधर भी हैं शायद, ये देखो दो लगी हुई हैं, और सुबह मॉर्निंग में इसका लगी भी होगा। और सबसे बेस्ट पार्ट दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर लाइट देख रहे हो आप, लाइट तो जान है भाई यहाँ पर, क्योंकि जिन्होंने ये बनाया है वो खुद एक लाइट क्राफ्ट्समैन है, उनके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। और तो ये लो, ये कम ऑन टेक इट, वेरी गुड। तो डिनर सर्व हो चुका है, ये बनवाया हमने चिकन, साथ में है सैलेड, चटनियाँ यहाँ की फेमस, राइस थोड़ा सा लेंगे हम लोग, और दाल ये हमने बनवाया है। और अब खा के बताते हैं आपको कैसा है, बहुत भूख लग रही है, रोटी आ रही है गर्मा गर्म, हमारी सज गई है, रोटी ले ली हमने, चिकन ले लिया है, और चटनी बड़ी मस्त लग रही है यार, ये भी खा के देखूंगा, सैलड ले लिया और दाल ले ली है, ओवरऑल ये है सेटअप। भी खा रहे, खा लो भाई खा लो। 9 बज गए, बेटी मंगा ली है, अभी उठने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, चाय पी ली, और बेड से ही अगर ये व्यू मिल जाए आपको, देख रहे हो आप, ये सामने से सड़क जा रही है, देखो जरा बेड से व्यू है भाई ये, और जूम देखो जरा मेरे मोबाइल का, क्या बात है यार, जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। टाइम हो गया है फ्रूट बनाना, और पपाया कट फ्रूट, साथ में पोहा, अरे पोहे में गोभी मिला दी है, अरे नए तरीके से है ये, और क्या है, दही है और पराठे हैं, और कस्टमाइज़ करके हमने अपने टाइम पे मंगवाया है, सबसे अच्छी बात है। और जो बैकग्राउंड में मिस्टर हरी दिख रहे हैं आपको, ये इन्होंने दिया है, इन्होंने बनवाया है। और यहाँ पर हम रुके थे, जो ऊपर वाली विंडो देख रहे हो, यहाँ से सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, टाइम लैप्स देखना आप, पूजा इधर लगी हुई है अपने मोबाइल से शूट कर रही है, और भैया को अभी दूध पिलाया है, और भैया यहाँ पर है हम लोग, लग रहा था मैं बारिश हो जाएगी या ठंडा लगने लगेगा, तो हम लोग अंदर आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने, और भैया को खिला रही पूजा, खिला दो भाई, लेकिन बहुत ध्यान से, क्योंकि हर चीज़ फेंकता रहता है। और ये बहुत बढ़िया लगता है यार यहाँ पे, ये फाफ क्लास ये वाला, आहा हा, मेरे पास ही आ गई, आ तो ओरी 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 पु 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 कर ले, पु 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 कर ले मेरे बाबू, पु 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 कर ले मत डॉग, अरे पु 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 कर ले, अरे बाबू, ये बाबू परफॉर्म करते हैं जब भी कहीं आ जाते हैं, परफॉर्मेंस चालू हो जाती है इनकी, देखो जरा, देखो हाँ भगे भगे आ गए, अब इधर आ गए भाई साहब, खा खा खा, तो की देखो इनकी कहाँ जा रही है। ऑमलेट भी ऑर्डर किया गया, ये ऑमलेट के ऊपर तो कुछ अलग टाइप का लग रहा है, सब कुछ डिफरेंटली बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो भैया आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों ऐसे फैलाया गया है, जो फैलाया नहीं गया इसकी वजह से, ये है ना जो मिस्टर अभी आप देख रहे थे उधर घूम रहे हैं, ये हर जगह घुस जाते हैं,
पूरा देखो किस तरीके से हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो हम दो दिन रुके थे यहाँ पे और दो दिन में हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अलग अलग टाइप के वेकेशंस होते हैं, कुछ लोग एक जगह जाते हैं फिर वहाँ से दूसरी तीसरी चौथी जगह जाते हैं। हमारा जो ट्रेवल था हमने यहाँ पर यहीं पर ही मतलब बिगासा में ही स्टे किया, यहीं की धूप एंजॉय की, यहीं का खाना एंजॉय किया और हम यहाँ पर लेज़ी होके एकदम पड़े रहे। पर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं मैं दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप पहाड़ों में आ रहे हैं, आप नेचर के बीच आ रहे हैं, तो जो भी पॉलीथीन या जो भी प्लास्टिक आप ले के आ रहे हैं वो अपने साथ ही ले जाइए और जहाँ पर कूड़ेदान है वहाँ जाकर डिस्पोज करिएगा। दूसरी चीज़, पहाड़ों में पानी और कंफर्ट उतना नहीं मिलता है जितना आपको हर जगह मिलता है, मगर यहाँ हमें फिर भी ज़्यादा मिला। तो अपनी एक्सपेक्टेशन जो है 5 स्टार कि तुरंत 24 घंटे पानी मिलेगा या तुरंत फ़ोन करेंगे, तो उस चीज़ों को थोड़ा आप नॉर्मल करके रखिएगा। मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पेशेंस बना के रखना है और यहाँ इंजॉय करने आना है आपको, रिलैक्स होने। और जब भी आए आगे कुछ लिखिए भी, क्योंकि हमारी अधिकतर आदत होती है सिर्फ देखने की, तो कोशिश करिए लिखने भी। और अगर आपको यहाँ पर स्टे करना है तो मुझे बताइएगा आप, मैं जिनका ये प्रॉपर्टी है वो मेरे फ्रेंड ही हैं और हम आपको बेस्ट डील दिला देंगे, है ना, जो लोग ये वीडियो पे कमेंट करेंगे, है ना, और शेयर करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा और एज ए फैमिली भी आप आ सकते हो, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप सोलो ट्रेवलर हो। आप देखो मेरे साथ छोटा बेटा आया था, ठंड के, हाँ उसने भी इंजॉय किया, वाइफ ने भी इंजॉय किया, लेकिन हाँ ठंडे कपड़े लेके आइएगा। अप्रैल हो रहा है अभी और अप्रैल में भी थोड़ी ठंड है यहाँ पर, तो डोंट अंडरएस्टिमेट हिमालयस, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।